वेलकम टू माय डियर जी। आज देख रहा हूँ मैं पर्निंग शेयर वेलो कंपनी का है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, 8 इंच का ये। तो ये जो गार्डन होते हैं पौधों की शाहें काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। तो इसके काफ़ी जो हैवी ब्लेड लगा हुआ है आगे पौधों की शाहें काटने के लिए, और ग्रिप कमाल की है, मेटल अच्छा लगा हुआ है इसको। तो इसका नीचे लॉक है, मैं इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ एक दफ़ा। तो वेलो क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल टूल्स में ये आ जाता है। इसकी जो है वो आपको बैकग्राउंड इसका चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है और मेड इन चाइना का ये बना हुआ है। वेलो कंपनी के ऑल टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो जी ओपन कर लेते हैं हम। तो काफ़ी ये जो है वो वजनी बना हुआ है, अच्छी चीज़ है। तो एक नीचे लॉक है, इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है, और ये पीछे ये लॉक खुल चुका है, इसको आप छोड़ेंगे तो ये आगे चला जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। तो इसको देख सकते हैं आप, काफ़ी जो है वो हैवी प्लेट है, ग्रिप अच्छी है, इधर रबड़ चढ़ा हुआ है, तो स्प्रिंग एक नीचे है, तो इसकी मदद से आप जो है इसको कुछ काट सकते हैं कि इधर से शाख जो है वो काट देगा, बहुत ही अच्छे तरीके से काटेगा। और काफ़ी जो है मेटल अच्छा लगा हुआ है इसको, बाद में इसको बेशक आप ऊपर काटना है बंद हो जाएगा वो मसला है। तो इसको अगर शाखें काटनी है तो आप ले जाएँ, बीच में शाख रखें और थोड़ा सा पुश करेंगे तो शाख बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से काट। तो जी इसके आप स्क्रू देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दो इधर लगे हुए हैं, एक बीच में जो बड़ा स्क्रू वो लगा हुआ है इसको पकड़ने के लिए दोनों को, और दो इधर लगे हुए हैं, और स्प्रिंग के लिए भी दो जो है वो एक्स्ट्रा इन्होंने पेच लगाए हुए हैं स्क्रू। तो हार्डवेयर की शॉप से हम आपको ये मिल जाएगा। तो काफ़ी जो है इसका जो कम रेट है सिर्फ 400 रुपये का, ज़्यादा कोई नहीं है। तो बाकी अच्छी चीज़ है, अगर हार्डवेयर की शॉप पर जाते हैं तो वेलो कंपनी का आप जो है वो पर्निंग शेयर ले सकते हैं, जो कि शाख को काटने के लिए होता है। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और वेलो की जो चीज़ें हैं वो सबसे अच्छी हैं। जी तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी ज़रूर करें कि वीडियो कैसी बनी है। बाकी अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अल्लाह हाफिज़।